फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो मेरा पापा जी एक देवघर जैसा शहर में होटल में काम करने वाला व्यक्ति था, होटल में काम करने वाला इंसान था। और बहुत बड़ा होटल में काम नहीं करता था, एक झूठा प्लेट साफ करने वाला इंसान था। आज से जब 4 साल पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझे, सुनने समझने के बाद लगा कि इस प्रोजेक्ट में कुछ हो सकता है, क्योंकि पापा का जो इनकम था उससे कभी नहीं लगा था कि हम कभी आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रोजेक्ट अच्छा लगा, एडमिशन किए। एडमिशन करने के बाद जो लड़का का चलने के लिए साइकिल नहीं था, वही लड़का यही प्रोजेक्ट में सिर्फ 10 महीना काम करके 90,000 रुपए का पाची जैसा बाइक खरीदे, जो एक लोगों का सपना होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का क्या करते हैं कि एक बड़ा बाइक का सपना होता है। जैसे आप मार्केट में देखे होंगे अपाची जैसा बाइक से लोग चलता है, लेकिन अगर उसमें 1 रुपए का अगर नट भी लगा हुआ है अपाची मेला, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा का पैसे से। लेकिन आप बोल सकते हैं अपाची लगभग 3 साल मेंटेन किए हैं, और 3 साल के दरमियान में अपाची जितना दामों में खरीदे थे ना, उससे डबल का पेट्रोल जला दिए हैं। और वो भी बाप का पैसे से नहीं, खुद का इनकम से और स्मार्ट वैल्यू का पैसे से। तो चाहेंगे एक बार स्मार्ट वैल्यू के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद और थोड़ा टाइम देते गए, जो लड़का पहले लैपटॉप के बारे में कुछ नहीं जानता था, कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं पता था, एक गांव देहात से बिलोंग करने वाला लड़का यहीं से इनकम करके कंप्यूटर भी सीखे, और कंप्यूटर सीखने के साथ साथ 39,700 रॉम फिगर, 40,000 रुपए का लेनोवो का प्रोसेसर i5 का लैपटॉप खरीदे और इनकम बढ़ा। यही प्रोजेक्ट में जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का कभी सोचा नहीं होगा, या मेरा पापा जी जो होटल में काम करते थे वो होटल में कभी नहीं सोचे होंगे कि मेरा बेटा एक बहुत अच्छा अचीवमेंट करेगा, कभी नहीं सोचा होगा। यही प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 साल मेहनत करके स्टूडेंट एज में पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं, इंटर पास किया वो लड़का। यही प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 साल टाइम देके 6 लाख रुपए का डैटसन का एसी कार खरीदे, यही सिस्टम की वजह से। उसके बाद इतना कुछ हो पाया ना, तो एक लीडरशिप के वजह से। जैसे आज हम लोगों का पल पल गाइड करने वाला सर हम लोगों का गुरु मिले, जैसे आज वो सर के बारे में अगर 2 शब्द ना बोले ना, तो मेरे लिए गलत होगा। आज वो सर हमको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, जैसे एक जब पैदा होता है ना बच्चा, तो उसका मम्मी पापा क्या करते हैं, उसको चलने के लिए सिखाते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं, गाड़ी देते हैं चलने के लिए, उसी तरीके से हमको भी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ऐसे सर के बारे में चाहेंगे कि जोरदार हाथारी होना चाहिए, मिस्टर पंकज कुमार सिंह, यही प्रोजेक्ट की वजह से। और उसके बाद गाइड मिला, उसके बाद ज्यादा लोगों का भी गाइड मिला, जैसे निरंजन सर का गाइड मिला, उसके बाद राजू सर का गाइड मिला, डीजे तक का फोन से गाइड मिलते रहता है। तो ऐसे गुरुओं के लिए चाहेंगे हम जोरदार ताली होना चाहिए। उसके बाद यही लास्टली 2019-20 का सीजन में यही ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमको भी एक टारगेट लेके चले हैं, कम से कम यहाँ सभी का फोटो देखते हैं हॉल ऑफ फेम में, तो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं एक ललक होता है कि हम भी उस जगह पे, मेरा भी फोटो होता तो कितना बढ़िया लगता, कितना अच्छा लगता। यही साल ऑलरेडी ये स्टेज से कसम खा के जाते हैं, जितना हो सके रात दिन मेहनत करके, 2400 घंटा मेहनत करके, यही नेक्स्ट रिकॉग्निशन जब होगा ना, तो मेरा भी नाम हॉल ऑफ फेम में रहेगा। इतना ही बोल के अपना वाणी को क्लोज करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।